स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। देखिए सूची एक है, सूची एक में पत्र पत्रिकाएँ और सूची टू में संपादक हैं और आपको कूट के माध्यम से मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो देखिए पहला है युगांतर पत्रिका, इसका हो जाएगा बारिंद्र कुमार घोष। फिर है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसका हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। और अगला है बंदी जीवन का हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। फिर है तलवार का हो जाएगा वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। अगला है निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके सकल उत्पाद के संदर्भ में अल्प है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा चावल। निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है। तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल और केरल। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन में थी? तो ऑप्शन डी मराठा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी गोंडवाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जीव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? तो ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किस में होता था? तो ऑप्शन सी रॉकेट प्रौद्योगिकी। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका? तो ऑप्शन डी कम घनत्व। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो ऑप्शन सी अजंता। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ऑप्शन ए पुर्तगाली। मोड़ी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मराठों। अगला है सुमेलित करना है, सूची एक में षड्यंत्र है, सूची टू में संबंधित क्रांतिकारी और कोट के माध्यम से मिलान करना है। इसका देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 2143। पहला है आपका नासिक षड्यंत्र, इसका हो जाएगा विनायक सावरकर। फिर है अलीपुर षड्यंत्र केस, इसका हो जाएगा अरविंदो घोष। ढाका षड्यंत्र केस, ये हो जाएगा पुलिन दास। बनारस षड्यंत्र केस, ये हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ पर स्थित है? तो म्यांमार। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है? तो ऑप्शन बी उत्तर लेंस। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है? तो ऑप्शन सी पर्यवेक्षीय प्राधिकरण। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन बी ठक्कर बप्पा। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन डी जैन धर्म। अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी। निम्न में से कौन गदर आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो तारकेश्वर। कौन नहीं था? तारकेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ
कहाँ किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, साबरमती। भारत की जनता के संदर्भ में किसने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? तो अरब वासियों ने। उल्का क्या है? तो उल्का होता है ऑप्शन डी, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। निम्नलिखित में वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो लोपा मुद्रा। गुप्तकाल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो एमनियन। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? तो आवृत्ति माडुलन। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? तो संबंधित एशिया। अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम का उल्लेख हुआ है? तो ऑप्शन डी, प्रियदर्शी। नेक्स्ट है, राज्यसभा में किन संघ राज्य क्षेत्रों को स्थान प्राप्त है? तो ऑप्शन ए, दिल्ली व पुदुचेरी। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 310। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आभ्यंतर परावर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो NPK। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए? तो ऑप्शन ए, लोकसभा द्वारा। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन सी, केवी फ्रिस्क। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीएमाइड। फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन जो है वो कौन सा है? तो सोडियम थायोसल्फेट। निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? तो थायरोक्सिन। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो उपरोक्त सभी। पहला है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कितनी भुजाओं वाली हैं? तो चतुर्भुज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी, कोई नहीं है, मतलब सही है सभी। पहला है, तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग का गठन किया था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अपना होम रूल लीग प्रारंभ किया। होम रूल आंदोलन के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल थे। वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। येलो केक क्या है? तो यूरेनियम ऑक्साइड। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था?
तो चुनाव। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो कावेरी नदी, कावेरी नदी। निम्न में से कौन अहरार आंदोलन से जुड़े हुए थे? कूट के माध्यम से बताना है। तो चारों, मौलाना मोहम्मद अली, हसन हमाम, मजहर उल हक और हकीम अजमल खान। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा? तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।